हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में एनालिसिस किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ओमेगा के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, राइट हैंड थंब रूल का कैसे हमें इस्तेमाल करना है, क्या उनकी यूनिट होती है, क्या एंगुलर वेरिएबल और लीनियर वेरिएबल में रिलेशन होता है, ओमेगा बराबर वी परपेंडिकुलर अपॉन में आर, ये सब बातें हमने करी थी। आज हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की। देखिए, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है, ऐसा समझिए जो हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था वही हम यहां पर पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन में। वही सब चीजें हम सर्कुलर मोशन में पढ़ने वाले हैं, बस वहां पर चीजें स्ट्रेट लाइन में चलती थी, यहां पर चीजें घूम रही हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ किस बात पर डिपेंड करता है? पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। स्ट्रेट लाइन में भी एंगुलर वेरिएबल्स अप्लाई किए जा सकते हैं, ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। अब याद करिए वहां पर एक्सेलरेशन क्या होता था। सोचिए वहां पर एक्सेलरेशन क्या होता था। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज क्या हो सकता है? या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, या दोनों चीजें चेंज कर दो। अब कैसे क्या चीज चेंज होगी, ये एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी डिसाइड करेगा। ये सब बात हम काइनेमैटिक्स में कर चुके हैं। अब सोचो, यहां पर मैंने बोला एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे डिनोट करते हैं हम? अल्फा से। वो क्या होगा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? बेसिकली इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल ठीक है यार। याद करो, वहां पर हमने एक्सेलरेशन को दो तरीके से डिफाइन किया था। कैसे? एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता था? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता था? याद करिए, व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल कन्वर्ट इनटू डी, तो अल्फा बराबर डी ओमेगा, सॉरी ए बराबर dv बाय dt। तो यहां पर भी हम एंगुलर एक्सेलरेशन को दो तरीके से डिफाइन करेंगे। कैसे? यहां पर भी हम एंगुलर एक्सेलरेशन को दो तरीके से डिफाइन करेंगे। कैसे? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, वो क्या होगा? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, वो क्या होगा? डी ओमेगा बाय dt। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? ये क्या है? रेडियन पर सेकंड अपॉन में सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई भाई? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या हो गई? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगेन ये कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। याद करो, थीटा और ओमेगा की डायरेक्शन हमने कैसे निकाली है? राइट हैंड थंब रूल के माध्यम से। कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड ओमेगा। लेकिन अल्फा की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से नहीं निकलती, इस बात को समझ लेना। अल्फा की डायरेक्शन निकलती है कॉमन सेंस से। किससे? कॉमन सेंस। कैसे? अच्छा, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक पार्टिकल है, वो इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, लाइक दिस, इस तरीके से चक्कर लगा रहा है। क्लियर है एकदम। एंगुलर वेलोसिटी इज लेट से ओमेगा, इस तरीके से वो घूम रहा है। क्लियर है। अब आपको मालूम है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा आउटवर्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा आउटवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। अब जो है, अल्फा की डायरेक्शन मुझे निकालनी है। एक बात बताओ, यहां पर रेडियस तो फिक्स है ना, रेडियस फिक्स है, और मान लो किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी है उसकी v, तो हम क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल्स टू ओमेगा r। लेकिन यहां पर v क्या होता है? उस इंस्टेंट पर पार्टिकल की स्पीड। ये सब आपको पता होगा। अच्छा भाई, अच्छा एक बात बताओ, मान लो ओमेगा जो है बढ़ भी सकती है और ओमेगा घट भी सकती है और ओमेगा कांस्टेंट भी हो सकती है। तीन केसेस बनते हैं। देखो, ओमेगा जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है। और अल्फा क्या है वो आपको मालूम है, अल्फा क्या है वो आपको मालूम है। हमें तो अल्फा की डायरेक्शन से मतलब है, अभी अभी फिलहाल अल्फा की डायरेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ओमेगा की डायरेक्शन देखो आउटवर्ड है, मैं कह रहा हूं मान लो पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन तो फिक्स है ना यार, ओमेगा की डायरेक्शन तो फिक्स हो गई। अब मान लो उसकी स्पीड बढ़ रही है तो डायरेक्शन तो आउटवर्ड ही रहेगी। मान लो स्पीड घट रही है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ओ ऐसे ऐसे घूम रहा है लाइक दिस, स्पीड स्लो डाउन हो रही है, स्लो डाउन हो रही है, अरे लेकिन ओमेगा की डायरेक्शन तो आउटवर्ड ही है ना, मतलब ओमेगा की डायरेक्शन तो फिक्स है ना यार। हाँ, जब मान लीजिए ये घूम रहा है ऐसे रुक करके रुक जाएगा और फिर वापस उल्टी डायरेक्शन में ऐसे घूमने लगे तो ओमेगा की डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर सेंस ऑफ रोटेशन में जब पार्टिकल घूम रहा है ओमेगा की डायरेक्शन फिक्स है, ओमेगा की डायरेक्शन फिक्स है। तो फिलहाल अल्फा क्या करेगा, फिलहाल अल्फा क्या करेगा, सिर्फ ओमेगा के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अल्फा क्या करेगा, ओमेगा के मैग्नीट्यूड को चेंज। याद करो कि मैग्नीट्यूड में परिवर्तन सिर्फ दो केस में होगा, व्हेन एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज जीरो स्पीड विल इंक्रीज, नो चेंज इन द डायरेक्शन, एंड व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 180 डिग्री स्पीड विल डिक्रीज विदाउट चेंज इन द डायरेक्शन। तो यहां अब हम लगाएंगे कॉमन सेंस। मान लो कि ओमेगा जो है टाइम के साथ बढ़ रही है, ओमेगा का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, इसका मतलब अल्फा की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अल्फा इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, मतलब इस केस के लिए अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। और अगर मान लो स्पीड घट रही है तो अल्फा इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ओमेगा, दैट मींस इन दिस केस अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। और इफ ओमेगा इज कांस्टेंट अल्फा इज जीरो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है कंसेप्ट? दैट मींस हियर इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, हियर ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। क्लियर है एकदम? इफ ओमेगा इंक्रीजिंग अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। अगर ओमेगा डिक्रीजिंग तो अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। और अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा क्या होगा, जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कहने का मतलब है अगर ओमेगा इंक्रीज होगी तो अल्फा इज अलोंग द ओमेगा, अगर ओमेगा डिक्रीज होगी अल्फा इज अपोजिट टू ओमेगा, अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फा इज जीरो। कहने का मतलब है क्या अल्फा की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकलेगी? नहीं, अल्फा की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से नहीं निकलेगी, अल्फा की डायरेक्शन कॉमन सेंस से निकलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? थीटा और ओमेगा की डायरेक्शन ही राइट हैंड थंब रूल से निकलती है, बस ये ध्यान रख लेना। और अल्फा की डायरेक्शन कॉमन सेंस, ये बस इस बात पे डिपेंड करेगा, अगर ओमेगा बढ़ रही है तो अलोंग ओमेगा, अगर ओमेगा घट रही है अपोजिट ओमेगा, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है लाइक दिस, टर 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 टर, और अगर मान लो ओमेगा की डायरेक्शन पूछे तो क्या होगी, इनवर्ड। अगर ओमेगा इस केस में बढ़ रहा है तो अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। अगर ओमेगा इस केस में घट रहा है, तो अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा क्या होगा, जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए, हम और आगे बढ़ेंगे, इस कंसेप्ट को आप नोट करिए। दैट मींस डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज क्लियर, अल्फा की डायरेक्शन क्लियर हो चुकी है और हमें पता चल गया कि डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज नॉट गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, इट इज गिवन बाय आवर कॉमन सेंस। नाउ याद करो जैसे ही मैंने एक्सेलरेशन पढ़ा दिया था, जैसे ही मैंने एक्सेलेरेशन पढ़ा दिया था तो मैंने आपको बताया था कि एक्सटी रिलेशन, वीटी रिलेशन और एटी रिलेशन किस तरह से कैसे कैसे कैलकुलेशन होगी, वही सब हम यहां पर पढ़ेंगे। उससे पहले क्या अल्फा इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन, क्या अल्फा इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन, ये वही बात है। क्या एक्सेलेरेशन इज नेसेसरी फॉर मोशन? नो। यूनिफॉर्म मोशन, मोशन with constant velocity, acceleration is zero. Same here, alpha is not necessary. ध्यान रखना, alpha is not necessary for circular motion. दो तरीके के मोशन आपने पढ़े होंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब यूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, पार्टिकल इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अबे गलत, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो डायरेक्शन तो हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है टेंजेंशियली। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है जिसे आप स्पीड बोलते हो वो क्या है? कांस्टेंट। वो क्या है? कांस्टेंट। मतलब कि ओमेगा क्या है? कांस्टेंट। मतलब कि अल्फा क्या है? जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब पार्टिकल इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है, सॉरी डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, साथ साथ उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है। दैट मींस हियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसे आप स्पीड बोलते हो वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, मतलब अल्फा जीरो नहीं है। इस बात को आप जान लेना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब अल्फा इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है पार्टिकल कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट स्पीड से घूम रही हो, स्पीड ओमेगा में संबंध। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो कॉमन सेंस है स्पीड भी तो कांस्टेंट होगी। क्लियर है एकदम? इस बात को समझ लेना, आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और फील आएगी। चलिए अल्फा क्लियर हो गया। अब याद करो वही टाइम पास, बहुत कुछ टाइम पास यहां हो सकता है। डायरेक्शन हमने क्लियर कर ली। याद करो एक्सटी रिलेशन से वीटी डिफरेंशिएट, वीटी से एटी डिफरेंशिएट, एटी से वीटी इंटीग्रेट, वीटी से थीटा, वीटी से एक्सटी इंटीग्रेट, वही सब यहां कर सकते हैं। टाइम पास क्वेश्चन, थीटा टी रिलेशन गिवन है, अगर थीटा टी रिलेशन गिवन है उससे ओमेगा टी रिलेशन चाहिए और ओमेगा टी रिलेशन से अल्फा टी रिलेशन चाहिए, तो कुछ मत करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दो। अगर अल्फा टी से ओमेगा टी चाहिए तो इंटीग्रेट, ओमेगा टी से थीटा चाहिए तो इंटीग्रेट। कहने का मतलब है यहां पर टाइम पास किया जा सकता है। थीटा टी रिलेशन, मान लो थीटा बराबर टी स्क्वायर प्लस टी, फाइंड ओमेगा एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। और ये टाइम पास ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी और टी की वैल्यू 2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, वो निकल जाएगी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, मतलब थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब थीटा फाइनल तो निकल जाएगा, बस वो इंटरवल देगा आपको। जब भी वो एवरेज पूछेगा तो वो इंटरवल देगा कि भाई 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में बता, मुझे नहीं जानना 5 सेकंड पे, आज तो मुझे एवरेज बता। अगर इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो वो एक टाइम देगा, अगर एवरेज पूछेगा तो वो एक इंटरवल देगा। ये बहुत टाइम पास क्वेश्चन किए जा सकते हैं, आप भी जान रहे हो। क्लियर है? और अगर ओमेगा टी रिलेशन गिवन है, तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है, ये भी आप समझ रहे हो। ओमेगा टी रिलेशन गिवन है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, मतलब ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब वो टाइम इंटरवल देगा, वैल्यू पुट कर करके ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल, टी फाइनल टी इनिशियल। टाइम पास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? मतलब उस तरीके की प्रॉब्लम मैं नहीं कराने जा रहा हूं क्योंकि बिल्कुल टाइम पास चीजें हैं, मैंने फॉर्मेट बता दिया यार, वैसे ही करना है। क्लियर है? इससे इस पे पहुंचना है डिफरेंशिएट करो, इससे इस पे पहुंचना है डिफरेंशिएट करो, उल्टा चलना है तो इंटीग्रेट कर दो। क्लियर है एकदम? मतलब वो वाली वैरायटी कवर हो गई। अब याद करो कि वहां पर एक स्पेशल एक स्पेशल काइनेमेटिक्स आई थी, काइनेमेटिक्स ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पाई गई थी, v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो यहां पर भी एक स्पेशल चीज आ सकती है, इफ अल्फा इज कांस्टेंट। अगर अल्फा कांस्टेंट होगा तो वही तीन इक्वेशन यहां पर यूज हो सकती है। बस v की जगह क्या होगा, ओमेगा फाइनल, और u की जगह क्या होगा, ओमेगा इनिशियल, और a की जगह क्या होगा, अल्फा, और t की जगह तो t ही होगा, और s की जगह क्या होगा, डेल्टा थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? दैट मींस इस तरीके की इक्वेशन ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा t और थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? यहां पर भी आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड ओमेगा, आउटवर्ड। तो कोई एक डायरेक्शन फिक्स कर लो पॉजिटिव, लेट्स से ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो जो भी वेरिएबल अंदर की तरफ होगा उसको नेगेटिव ले लेना। या मेरी बात समझ में आ रही है? अब बहुत सारी तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पर तमाम तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक टेबल फैन है, वो घूम रहा है, इनिशियली लेट से वो चल रहा है, यूनिफॉर्म ओमेगा आई दे रखा है, लेट से ओमेगा आई दे रखा है, और स्विच बंद कर दिया, अब वो डीएसलरेट हो रहा है, अल्फा दे दिया, तो पूछ रहा है बताओ कितने टाइम पे वो रुक जाएगा। यूज दिस, बस ध्यान रखना ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा, 0, ओमेगा इनिशियल गिवन है, अल्फा नेगेटिव के साथ रखना क्योंकि यहां पर अल्फा स्पीड घटा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये वैसा ही क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और पीछे की तरफ कोई एक्सेलरेशन लग गया, बताओ कितने टाइम पर वो रुक जाएगा। और अगर मान लो वो पूछ रहे कितने डिस्टेंस पे रुक जाएगा, तो सेकंड इक्वेशन हम लगाते थे। अब यहां पर भी पूछ सकता है बताओ कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया, तो यूज सेकंड इक्वेशन। और अगर वो पूछ ले कितने रोटेशन, तो ठीक है यार, थीटा निकल गया ना, एक रोटेशन में कितने चक्कर, 2πn रोटेशन में 2πn, तो 2πn बराबर जो भी आंसर आया है n आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? कहने का मतलब है बहुत टाइम पास प्रॉब्लम, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर कराई जा सकती हैं, वही टाइम पास सेम प्रॉब्लम है। क्लियर है? एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब ओमेगा के बारे में ध्यान रखना। ओमेगा जो है, ओमेगा की एक यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट, उसको बोलते हैं आरपीएम। उसको क्या बोलते हैं, आरपीएम समझ लो। जनरली जब भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो ओमेगा उसमें आरपीएम में गिवन होगी। अब आरपीएम क्या है, देखो फुल फॉर्म जान लो पहले। आरपीएम क्या है, रोटेशन पर मिनट। सुन लो, रोटेशन पर मिनट, लेकिन हमें तो ओमेगा किसमें चाहिए होती है, रेडियन पर सेकंड। किसमें चाहिए होती है, रेडियन पर सेकंड। तो ऐसे गिवन होगा, मान लो कहीं ओमेगा बराबर 10 आरपीएम, ओमेगा बराबर 10 आरपीएम है। अब डर मत जाना ये क्या है आरपीएम, मैं बता देता हूं आरपीएम क्या है। अब देखो रोटेशन पर मिनट मतलब कि एक मिनट में कितने रोटेशन, इसका मतलब है एक मिनट में 10 रोटेशन। तो पहले मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, रेडियन पर सेकंड में चाहिए। एक मिनट में 10 रोटेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 10 रोटेशन पर मिनट, मिनट नीचे है, पर मिनट, तो एक मिनट में 60 सेकंड, एक मिनट में 60 सेकंड। दैट मीन्स 10 रोटेशन पर डिवाइड बाय 60 सेकेंड। एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 से यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड। क्लियर? अब एक रोटेशन में कितने रेडियन, एक रोटेशन में कितना थीटा, 2π। एक रोटेशन में 2 पाई, तो n रोटेशन में 2 पाई n, तो 10 रोटेशन में 10 × 2 पाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? मतलब अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, मान लो ओमेगा है n आरपीएम, तो उसको रेडियन पर सेकंड में क्या करोगे? 2 पाई n अपॉन में 60 रेडियन पर सेकंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जनरली आरपीएम में आपको यूनिट मिलेंगे देखने को। जब भी इस तरीके की अप्रोच आप लगाओगे तो ओमेगा की यूनिट आरपीएम में होगी। क्लियर एकदम? इस कंसेप्ट को आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए एक्सेलरेशन पर हम और चर्चा करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताइए, मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है मतलब स्पीड कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, अल्फा जीरो। क्लियर एकदम? स्पीड कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट और अल्फा जीरो। अब अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी तो हर टाइम चेंज हो रही है ना यार, डायरेक्शन तो हर टाइम चेंज हो रही है ना यार, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो जरूर होगा, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन जरूर होगा, मतलब खाली अल्फा तक ही सर्कुलर मोशन सीमित नहीं है, अभी इसमें और भी बहुत कुछ है। एक ऐसी चीज भी है जो जो डायरेक्शन को चेंज कर रही है, खाली जो डायरेक्शन को चेंज कर रही है, मतलब एक ऐसी चीज भी है जो एक ऐसा एक्सेलरेशन भी है जो खाली डायरेक्शन के चेंजमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसको हम जानते हैं। एक डेरिवेशन के थ्रू, एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिकल पोर्शन के थ्रू मैं चीज़ों को समझाऊंगा, फील कराऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, चीज़ों को आप समझिएगा, बहुत ध्यान से इसको देखना। अच्छा एक बात बताओ, मान लो जनरल बात करता हूँ, मान लीजिए कोई भी एक पार्टिकल सर्कल में है इस तरीके से, कोई भी एक पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन में है लाइक दिस, और जनरल केस लेके चलता हूं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब जो स्पीड है वो वेरिएबल है, मतलब अल्फा भी है, थीटा भी होगा, ओमेगा भी होगा, सब होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? मान लीजिए ये अपना ऑरिजिन हो गया। क्लियर है भाई? ये अपना ऑरिजिन हो गया और ये हो गया उसका रेडियस, ये क्या हो गया? रेडियस। क्लियर है एकदम? और ये अपना लेट्स से एक्स एक्सिस और इसको मैंने मान लिया लेट्स से वाई एक्सिस, इस तरीके से है। क्लियर है एकदम? अच्छा भाई, मान लो पार्टिकल जो है किसी भी इंस्टेंट पर रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल पर चला गया, पार्टिकल किसी भी इंस्टेंट पर रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल पर चला गया। क्लियर है? मतलब पार्टिकल यहां पर है और वो इस तरीके से घूम रहा है, वो इस तरीके से घूम रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? अब देखते हैं, अब मान लो मुझे यहां पर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। मुझे क्या लिखने हैं यहां पर? पार्टिकल के कोऑर्डिनेट। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे यहां पर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होगा भाई? यहां पर मुझे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो देखो भाई ये r है, ये थीटा है, तो ये r ये थीटा, तो ये क्या होगा? r cos थीटा, और ये क्या होगा? r sin थीटा। मतलब कि x कंपोनेंट क्या होगा? cos कंपोनेंट, और y कंपोनेंट क्या होगा? sin कंपोनेंट। बेसिकली हमने रेजोल्यूशन में भी यही सीखा था। दैट मींस कोऑर्डिनेट हो गए भाई r cos थीटा, r sin थीटा। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो मैं यहां पर 2 यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं। देखो यूनिट वेक्टर डिफाइन करने का मतलब है, यूनिट वेक्टर डिफाइन करने का मतलब है कि उन यूनिट वेक्टर को आप किसी के भी साथ लगा दीजिए, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं, बस वो डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन दे देंगे। किसकी इंफॉर्मेशन दे देंगे? डायरेक्शन की। अब ये आपको मालूम है कि किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंशियल। किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंशियल। मतलब यहां पर अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाऊंगा तो वो क्या होगी? टेंजेंशियल। और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? रेडियल। तो मैं 2 यूनिट वेक्टर डिफाइन करूंगा, सुन लो, 2 यूनिट वेक्टर डिफाइन करूंगा। ई रेडियल कैप लगाने का मतलब ही है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ई टेंजेंशियल कैप लगाने का मतलब ही है इसका मैग्नीट्यूड 1 है। प्रूफ भी कर लेंगे इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। क्लियर है? देखो एक तो मैंने वेक्टर ऐसे डिफाइन कर लिया, यूनिट वेक्टर इस तरीके से, ये क्या हो गया? ई रेडियल आउटवर्डली डिफाइन कर लिया, और एक डिफाइन कर लिया टेंजेंशियल इस तरीके से, ई टेंजेंशियल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको भी वेक्टर फॉर्म में भी लिखूंगा, आई कैप के कैप की टर्म में। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? दो यूनिट वेक्टर मैंने डिफाइन कर लिए, ई रेडियल और ई टेंजेंशियल, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मैं प्रूफ भी करूंगा। ठीक, अच्छा भाई, अब दो यूनिट वेक्टर मैंने डिफाइन कर लिए। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। अब इसके दो कंपोनेंट करो, कॉस और साइन, कॉस और साइन। डायरेक्शन देखना, कॉस और साइन, मतलब ई आर को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो, 1 ही आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो, 1 ही आ रहा है। अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ठीक है भाई, अब मुझे ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल ये कैसे निकलेगा भाई? आप देखते हैं ये कैसे निकलेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। और क्योंकि ये टेंजेंशियल है तो रेडियस के तो परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये एंगल कितना होगा? 90। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, मतलब ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। अब देखो इसको रिजॉल्व करूंगा, ये क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा विच इज साइन थीटा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और ये क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा, मतलब कॉस थीटा, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो ये कंपोनेंट क्या हो गया? ये कंपोनेंट क्या हो गया? माइनस साइन थीटा आई कैप, और ये कंपोनेंट क्या हो गया? कॉस थीटा जे कैप, मतलब कि ई टेंजेंशियल का वेक्टर फॉर्म क्या आ गया? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। इतनी बात समझ में आ रही है? इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लो, 1 नहीं आ रहा है। क्लियर है? मतलब कि अभी तक फिलहाल मैंने दो यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडियल यूनिट वेक्टर और टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। सब समझ में आ जाएगा क्यों डिफाइन करें, फील आएगी एकदम फर्स्ट क्लास। क्लियर है एकदम? अच्छा भाई, अब मान लो इसी इंस्टेंट पर मुझे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बताना है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है भाई? आपको मालूम है पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जेड हो तो जेड भी फिलहाल एक्स और वाई ही है। चलो भैया वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा सिंपली? क्या आ जाएगा? आर वेक्टर बराबर आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आर यहां से कॉमन निकालो तो क्या आ गया? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये देखा लग रहा है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अरे आर वेक्टर, मतलब आर वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं? आर इंटू ई आर कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? वेयर R, capital R is the magnitude of R vector and its direction is what? Its direction is what? Along the direction of radial vector होता भी है। देखिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स का जब कॉम्बिनेशन निकालना बहुत जबरदस्त, मतलब मजा आ जाता है। वो ही हो रहा है यहां पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? R क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। और ER वेक्टर क्या बता रहा है? कि R वेक्टर की डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर, होता भी यही है। क्लियर एकदम? चलो भाई, हमारे पास आ गया पोजीशन वेक्टर, हमारे पास आ गया पार्टिकल का। अब मान लो मुझे वेलोसिटी वेक्टर निकालना हो, पार्टिकल का, तो वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं? डी आर बाई डी टी। चलिए भाई, वेलोसिटी वेक्टर के लिए क्या करेंगे? अब वेलोसिटी वेक्टर के लिए क्या करेंगे? सिंपली डी आर बाय डी टी। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो देखिए क्या रिजल्ट आ जाएगा इसको डिफरेंशिएट करने पे। इसको डिफरेंशिएट करो, देखो आर तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएट टाइम के साथ माइनस साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी टाइम के साथ कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा? आर एज इट इज, अंदर क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी आई कैप प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी जे कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब देखो व्हाट इज डी थीटा बाय डी टी? ओमेगा। What is d theta by dt? ओमेगा। यहां पर भी ओमेगा, यहां पर भी ओमेगा, बाहर निकाल लो। तो v वेक्टर कितना आ गया भाई? v वेक्टर कितना आ गया? सिंपली r ओमेगा बाहर, अंदर क्या बच गया? माइनस साइन थीटा i कैप प्लस cos थीटा j कैप। ये देखा लग रहा है, ये देखा देखा लग रहा है, ये तो क्या है ई टेंजेंशियल, ये क्या है ई टेंजेंशियल। मतलब इसकी जगह मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, वी वेक्टर बराबर आर ओमेगा ई टेंजेंशियल। बहुत जबरदस्त रिलेशन, बहुत जबरदस्त रिलेशन। वी वेक्टर बराबर आर ओमेगा ई टेंजेंशियल। आर ओमेगा क्या है, आर ओमेगा क्या है, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, वो तो हमें मालूम है V = R ओमेगा, वो तो हमें मालूम है। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, और वो होती भी है, वो होती भी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर टेंजेंशियल। सब कुछ प्रूफ हो रहा है मैथमेटिकली जबरदस्त, जो चीज हमें पता है सब कुछ हम प्रूफ करते जा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब बहुत जबरदस्त चीज प्रूफ करने वाले हैं हम, एक्सेलरेशन। वो बहुत जबरदस्त चीज प्रूफ करने वाले हैं हम, एक्सेलरेशन। वी वेक्टर हमने निकाल लिया, ये सब हमारे पास आ गया। अब हम बहुत ही जबरदस्त चीज प्रूफ करने वाले हैं, जो हमने शुरू किया है वो है एक्सेलरेशन। अब बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, dv/dt। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनो, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो फिलहाल ओमेगा का भी डिफरेंशिएशन होगा, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। आर कांस्टेंट है, आर को मैं बिल्कुल बाहर निकाल लूंगा, और ओमेगा और इस पूरी ट्रम में मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल। ओमेगा और इस पूरी ट्रम में मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम कंसेप्ट। चलिए, आर बाहर, आर तो कांस्टेंट है बिल्कुल बाहर, ओमेगा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, व्हाट इज जी ओमेगा बाय डी टी अल्फा, व्हाट इज जी ओमेगा बाय डी टी अल्फा। और ये पूरी टर्म सेम, प्रोडक्ट रूल यही कहता है ना, एक का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम, प्लस लगाओ जिसका हो गया उसको बाहर, अगले का डिफरेंशिएशन। तो अल्फा का ओमेगा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा का डिफरेंशिएशन क्या होगा अल्फा, और ये पूरी टर्म एज इट इज माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। प्लस लगाया, अभी ब्रैकेट नहीं, बड़ा ब्रैकेट बंद नहीं है, प्लस लगाया। अब ओमेगा का डिफरेंशिएशन हो चुका है, उसको बाहर निकालो, निकाल दिया। अब डिफरेंशिएशन इसका होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी, माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी, दैट मींस माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी आई कैप। चलो, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी जे कैप, माइनस साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी जे कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्मॉल ब्रैकेट एंड देन ये वाला कैपिटल ब्रैकेट। क्लियर है? ये एक्सेलरेशन आ गया, बहुत जबरदस्त चीज निकलने आने वाली है। चलिए, अब क्या काम करो, आर को अंदर मल्टीप्लाई भी करा दो। तो क्या आ गया ये, आर अल्फा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, माइनस साइन कॉमन निकाल लो एक तो, और डी थीटा बाई डी टी ओमेगा कॉमन निकाल लो, और आर अंदर मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट क्लियर है? बहुत जबरदस्त रिलेशन बनने वाला है। इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहां पर मैं लिखने वाला हूं। बहुत जबरदस्त रिलेशन बनने वाला है। अब देखो ये क्या निकल के आ गया, एक्सेलरेशन वेक्टर बराबर आर अल्फा। ये क्या है, ये देखा देखा लग रहा है, ये क्या है, ये देखा देखा लग रहा है ई टेंजेंशियल। तो क्या आ गया, आर अल्फा ई टेंजेंशियल वेक्टर। ये देखा देखा लग रहा है, ये देखा लग रहा है ई रेडियल, दैट मींस प्लस ओमेगा स्क्वायर आर। देखिए कैसे लिखूंगा मैं, प्लस ओमेगा स्क्वायर आर, इस माइनस को इसके साथ लगा देता हूं, माइनस ई रेडियल वेक्टर। बहुत जबरदस्त रिलेशन। मतलब कि सर्कुलर मोशन में दो तरीके के एक्सेलरेशन है। सर्कुलर मोशन में दो तरीके के एक्सेलरेशन हैं। एक एक्सेलरेशन जो अलोंग द टेंजेंशियल वेक्टर लग रहा है और एक एक्सेलरेशन जो अपोजिट टू द रेडियल वेक्टर, और अपोजिट टू द रेडियल वेक्टर क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर, उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दो तरीके के एक्सेलरेशन हो गए भाई, समझ लेना। इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दो तरीके के एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में। कौन कौन से? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है? ओमेगा स्क्वायर आर। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है? आर अल्फा। और ये क्या है फिर? नेट एक्सेलरेशन। अभी सबकी डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? सब कुछ आपके सामने है, देखिए सब कुछ आपके सामने है। मतलब कि जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो दो तरीके के एक्सेलरेशन काम करते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब अलोंग द वेलोसिटी, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब कि परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसको आप नोट करिए, इस कंसेप्ट को आप नोट करिए, हम और चर्चा करेंगे। चलिए, मतलब कि क्या बातें हमें क्लियर हो गई हैं, क्या बातें हमें क्लियर हो गई हैं कि जब भी पार्टिकल सर्कल कर रहा होगा, जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा तो उस पर दो तरीके के एक्सेलरेशन काम करेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये हो गया नेट एक्सेलरेशन। क्लियर है एकदम? आप देखो, मान लो वेलोसिटी इधर है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अब देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कर क्या रहा है? 80 क्या आया? 80 क्या आया हमारे पास? बेसिकली आर इंटू अल्फा। और अल्फा क्या था याद करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अब देखो अगर ओमेगा चेंज होगा तो v स्पीड चेंज होगा, क्योंकि आपको मालूम है v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। यहां पर v क्या होता है? स्पीड, और ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। मान लो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा? dv बाय dt बराबर r d ओमेगा बाय dt। Now, what is d omega by dt? Alpha. That means dv by dt बराबर r alpha. That means यहां पर v क्या होता है भाई? ये पता है आपको, स्पीड। मतलब ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखना। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विच इज नोन एज 80, जो कि अभी हमने प्रूव किया। मतलब कि अल्फा का संबंध किससे है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से, सेंट्रीपिटल से या नेट से? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से। बच्चों को रटा हुआ होता है a बराबर r अल्फा, गलत। ए तो नेट एक्सेलरेशन है, एटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो आपको क्या पता होना चाहिए? एटी बराबर आर अल्फा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अल्फा तो जीरो भी हो सकता है और एटी जीरो भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एकदम। अबे अल्फा जीरो हो सकता है ना, बिल्कुल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? पार्टिकल कौन से एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा, मतलब कि उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होना जरूरी है? नो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एटी क्या हो जाएगा? जीरो। अल्फा क्या हो जाएगा? जीरो। ओमेगा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। मतलब एटी और अल्फा का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आएगा। अब दिमाग लगाओ, मान लो वेलोसिटी ऐसे है किसी भी इंस्टेंट पर, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो ओमेगा ऐसे है किसी इंस्टेंट पर। अब मान लो स्पीड बढ़ रही है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एटी? Along the velocity या opposite to the velocity? Along the velocity. Now this is 80, this is AC and this is A net. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। अब वही मान लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, अब वही मान लो इस तरीके का कंसेप्ट है कि पार्टिकल इस तरीके से सर्कल में चल रहा है, पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है और वेलोसिटी वेक्टर लाइक दिस, वेलोसिटी वेक्टर इज लाइक दिस, और ये क्या होगा अपना, ये क्या होगा अपना AC। और अगर मान लो स्पीड इस केस में घट रही है, इस केस में स्पीड मान लो घट रही है, तो AT की डायरेक्शन क्या होगी भाई, अपोजिट टू द वेलोसिटी, क्योंकि AT सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर रहा है, स्पीड के साथ छेड़छाड़, डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा। अभी डायरेक्शन की बात नहीं करी मैंने, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो AT की डायरेक्शन इधर होगी और A कुछ इधर होगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। अच्छा भाई, और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो AT क्या होगा, जीरो, सिर्फ और सिर्फ AC होगा। AT क्या होगा, जीरो, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, AC। अब AC पर ध्यान लगाओ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड AC। AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आया, ओमेगा स्क्वायर r। क्या होगा एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड AC, 90 डिग्री। याद करो, जब भी एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री, वो क्या काम करता है, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज। बहुत जबरदस्त, सब कुछ पिक्चर क्लियर हो गई। दो तरीके के एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ओनली चेंजिंग द स्पीड एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ओनली चेंजिंग द डायरेक्शन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैन बी अलोंग द वेलोसिटी इफ स्पीड इंक्रीजिंग, कैन बी अपोजिट टू द वेलोसिटी इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग, कैन बी जीरो इफ speed is constant, while centripetal acceleration is always toward the center and perpendicular to the velocity, and this is the responsible, this vector, this acceleration vector is responsible for change in the direction. That's why centripetal acceleration is must acceleration for circular motion. क्या मेरी बात समझ में आ रही है, चाहे सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल ओनली एंड ओनली इन द चेंजमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। दैट मींस दिस वेक्टर ओनली चेंजेस द डायरेक्शन, दिस इज perpendicular to the velocity and this is only changes the magnitude, which is speed. This can be parallel and anti-parallel to the velocity, this can be zero. क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और AT और AC के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। दैट मींस अगर किसी भी इंस्टेंट पर A का आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या होगा, अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इन कंसेप्ट को आप नोट करिए और चर्चा करेंगे हम। चलिए और बेसिक बातों पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए 3 केस मैंने यहाँ ले लिए सर्कुलर मोशन के, यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है, यहाँ घट रही है, यहाँ कांस्टेंट है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ AT, AC एंड A। क्लियर है, देखिए AC तो हमेशा, चाहे कैसा भी केस हो, AC तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। अच्छा भाई, अब यहाँ पर अगर स्पीड बढ़ रही है तो AT की डायरेक्शन क्या होगी, अलॉन्ग, और A कुछ इस तरीके से होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर स्पीड घट रही है तो AT इधर की तरफ होगा और A कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है तो AT जीरो होगा और यही AC और यही A है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। दैट मीन्स A बराबर AC प्लस AT, वेयर AC एट एनी इंस्टेंट क्या लिख सकते हैं हम इसको, ओमेगा स्क्वायर r, या फिर ओमेगा बराबर V बाय r से V स्क्वायर बाय r। ये दिस इज द मस्ट एक्सेलरेशन, ये क्या है, मस्ट है, और दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द डायरेक्शन। क्लियर है। AT क्या है, r अल्फा, एंड इट इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि इट इज ऑलवेज देयर। क्लियर है एकदम। एंड द एंगल बिटवीन AT एंड AC इज व्हाट, ये कॉमन सेंस है, एंड एंगल बिटवीन AT एंड AC is what, 90 degree always. Clear है. That means the angle between AT and AC is 90 degree. That means the angle between velocity and AC is 90 degree. Common sense. Clear है एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आप खुद देख सकते हैं। अच्छा भाई अब देखो मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कि स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट मतलब ओमेगा क्या होगा? कांस्टेंट मतलब अल्फा क्या होगा? जीरो मतलब एटी क्या होगा? जीरो मतलब कि किसी भी इंस्टेंट पर एसी क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर आर। अब एक बार क्वेश्चन आया इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, इट इज ट्रू और फॉल्स? ओमेगा इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। 99% केसेस में आंसर दिए गए यस, बट आंसर इज रॉन्ग। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। आपने खाली मैग्नीट्यूड देख लिया ओमेगा स्क्वायर आर, अरे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी तो चेंज हो रही है हर टाइम यार, टुवर्ड्स द सेंटर हर टाइम चेंज भी तो हो रही है यार। यहां पर इस तरह होगी, यहां इस तरह होगी, यहां इस तरह होगी, यहां इस तरह होगी। दैट मींस करेक्ट स्टेटमेंट इज व्हाट? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन the magnitude of centripetal acceleration is constant, it is not centripetal acceleration which is constant। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। अच्छा भाई और देखते हैं व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, दोनों चीज सेम है या अलग अलग? ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या है? ध्यान से सुन लो, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जिसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि होता है आर अल्फा। और ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब नेट एक्सेलरेशन, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड मतलब कि एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बेसिक चीजें बता रहा हूं जो आपको दिखेंगे बुक्स में, दिखेंगी एग्जाम्स में, दिखेंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिखेंगी। क्लियर है? इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड व्हिच इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू आर अल्फा। इसका क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कांसेप्ट एकदम क्लियर है? और देखते हैं और बेसिक बातों पर चर्चा करते हैं। अब हमें समझ में आ गया दो तरीके के एक्सेलरेशन, बहुत जबरदस्त चीज है। हमें समझ में आ गया कि दो तरीके के एक्सेलरेशन यहाँ पर वर्क करते हैं। एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट्स डायरेक्शन इज along the velocity vector. It can be along, it can be opposite, it will depend on the situation. If speed is increasing it is along, decreasing opposite. If it is constant it is zero. And centripetal acceleration is must acceleration which is omega square r, v square by r. Centripetal acceleration is not constant in uniform circular motion, its magnitude is constant in uniform circular motion. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और बेसिक बातों पर चर्चा करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए एक रॉड है या एक थ्रेड है, उस पर दो पार्टिकल हैं, लेट्स से ए और बी इस तरीके से, और वो सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रही है लाइक दिस। क्लियर रहेगा? इट विल बी लाइक दिस। ये थोड़ा बड़ा बन गया, तो यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, दिस पॉइंट इज ए लेट्स से। क्लियर है? मान लो किसी भी इंस्टेंट पर ये ऐसे आई, ये रॉड ऐसे आई, ठीक? तो ए देखो ऐसे आया, ए की ट्रैजेक्टरी ऐसे थी, और बी देखो ऐसे आया, बी की ट्रैजेक्टरी ऐसे थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर रहेगा? अब देखिए बेसिक बातों पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए एंगल थीटा है, क्लियर है, और ये ओमेगा से घूम रही है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा ए एंड थीटा बी? सेम, अरे दोनों के लिए थीटा तो सेम है यार, सेम। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा ए एंड ओमेगा बी? सेम, ओमेगा भी दोनों के लिए सेम है। अगर मान लो ओमेगा चेंज हो रही है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा ए एंड अल्फा बी? सेम, ये भी सेम है। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए और डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी, दोनों में क्या रिलेशन है? बी ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया एज कंपेयर टू ए, और उसका रेट निकालूंगा अगर मैं टाइम के साथ, तो स्पीड। दैट मींस स्पीड ऑफ ए इज लेस देन स्पीड ऑफ बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। अगर मैं 80 निकालूंगा, 80 मतलब इसको और डिफरेंशिएट कर दूंगा तो वही आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए इज लेस देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम, क्लियर है। उसके बाद AC निकालूंगा, AC क्या होगा, AC क्या होगा वी स्क्वायर बाय आर, AC क्या होगा वी स्क्वायर बाय आर, वो भी क्या होगा, इसका AC कम होगा, इसका AC मतलब एयर कंडीशन मत समझ लेना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ A इज लेस देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ B। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके की बातें, ये सब कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? अगर ये है तो नेट एक्सेलरेशन भी किसका ज्यादा होगा किसका कम, ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है एकदम, क्लियर है। और बेसिक बेसिक बातों पर चर्चा करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। चलिए कुछ प्रॉब्लम हम यहाँ करते हैं, कुछ प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। मान लो एक रॉड है, सिंपल क्वेश्चन से करते हैं। मान लीजिए एक रॉड है इस तरीके से, लाइक दिस, और इट्स ओमेगा इनिशियल इज लेट्स से 0, क्लियर है, एंड अल्फा इज लेट्स से 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और उसने ऐसे घूमना शुरू किया विद अल्फा। क्लियर है? जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आए समझ लेना आपको वैसे ही करना है, मोशन इन 1D, बस कोई चीज घूम रही है, दो एक्सेलरेशन का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकंड, व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकंड। तो सिंपल है यार, नेट एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकंड, और इसकी लंबाई ले लो, लेट से 1 मीटर की है, इसकी लंबाई 1 मीटर की है, नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है आपसे 2 सेकंड में, तो निकल जाएगा। नेट एक्सेलरेशन के लिए 80 पता होना चाहिए और AC पता होना चाहिए। 80 क्या होगा भाई, 80 क्या होगा, 80 क्या होगा भाई आर अल्फा, वो तो कांस्टेंट है। 80 क्या होगा, देखो यहाँ पे बना देता हूँ, 80 क्या होगा आर अल्फा, वो तो कांस्टेंट है, आर क्या है 1 और अल्फा क्या है 2, तो क्या आ गया 2। 80 क्या आ गया आपके पास 2, 80 क्या आपका आ गया आपके पास 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है। अब AC क्या होगा भाई, AC क्या होगा ओमेगा स्क्वायर आर, AC क्या होगा ओमेगा स्क्वायर आर। अब ओमेगा निकाल लेंगे हम, ओमेगा निकाल लेंगे हम, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा क्या होगा भैया, ओमेगा क्या होगा ओमेगा फाइनल, दैट मींस ओमेगा फाइनल बराबर v = u + at, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा t, मतलब कि ओमेगा फाइनल को क्या लिखते हैं हम अल्फा इंटू टी, मतलब कि अल्फा कितना हो गया, अल्फा कितना हो गया 2 और t कितना हो गया 2, मतलब ये क्या हो गया 4। तो AC क्या हो गया, AC क्या हो गया 4 का स्क्वायर इंटू 1, दैट मीन्स 16, दैट मीन्स 80 आपके पास आ गया, सॉरी ये 80 है, 80 आपके पास आ गया, AC आपके पास आ गया, 80 कितना है, 80 कितना है 2, AC कितना है 16, तो ए नेट कहीं यहाँ से वो कितना होगा अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस प्रॉब्लम को आप नोट करिए। चलिए और प्रॉब्लम देखते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल है, वो सर्कल कर रहा है, सर्कुलर मोशन में, और रेडियस ऑफ द सर्कल इज 54 मीटर, and its velocity is varying with time with this relation v is equals to 4 t square। क्लियर है एकदम। चलिए वो पूछ रहा है what is the angle between velocity and acceleration after 3 second। क्वेश्चन क्या है, what is the angle between velocity and acceleration after 3 second। velocity and acceleration, अब acceleration कौन सा, net acceleration। क्लियर है? अच्छा, नेट एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहले तो मान लो इसी इंस्टेंट पर हम बात कर रहे हैं, ये होगा 80 क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, ये v है, ये 80 है, ये होगा AC और ये होगा a नेट, हमें ये एंगल चाहिए। क्लियर है? निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो हम 80 निकालते हैं। 80 क्या है भाई, 80 क्या है, 80 क्या होगा, 80 क्या होता है d v बाय dt, that means d by dt of 4t square, that means 8t। क्लियर है एकदम। सो t 0 से 3 सेकंड में पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 8 इंटू 3 विच इज 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 80 हमारे पास निकल गया। AC क्या होता है, AC क्या होता है v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर बाय r। अब v कितना है भाई, v कितना है t 0 से 3 सेकंड पर, यहाँ पर पहले पुट कर देते हैं v स्क्वायर बाय आर, दैट मीन्स 4t स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 54, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16 इंटू टी की पावर 4 दैट मीन्स टी कितना है 3 सेकंड पे पूछ रहा है 3 की पावर 4 अपॉन में 54. क्लियर है. इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 24. ये भी आ गया 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर है. चलिए AC ये आ गया, AT ये आ गया, ये ए नेट है. AT हमारे पास आ गया, AC हमारे पास आ गया, ये ए नेट है. तो ए नेट क्या होगा, सिंपली ए नेट क्या होगा 24 रूट 2. ए नेट क्या होगा सिंपली 24 रूट 2. अब ये एंगल हमें निकालना है, लेट से ये एंगल हमें निकालना हो थीटा, या फिर ये एंगल निकाल लो, यही एंगल निकालना है. ये एंगल कैसे निकलेगा ध्यान से देखो, ये एंगल इस ट्रायंगल से देखो, ध्यान से देखो कैसे निकलेगा. टेन थीटा बराबर AC, ये कंपोनेंट क्या है AC अपॉन में AT. AC कितना है 24, ये भी कितना है 24 दैट मीन्स 1. तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री. इस तरीके की प्रॉब्लम भी आपको दिखेगी. सो t इज इक्वल टू 3 सेकंड बाद व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इट इज 45 डिग्री एंड दैट एंगल इज कीप ऑन चेंजिंग. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है. इस कंसेप्ट को आप नोट करिए. अब नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पर है, वो सिंपल सा कंसेप्ट है, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर. वो क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. सिंपल सा कंसेप्ट है. पहले स्पेशल केस से हम चलते हैं. अच्छा एक बात बताइए, विच इज मस्ट एक्सेलरेशन. मस्ट एक्सेलरेशन क्या है? मस्ट नहीं, मस्ट. मस्ट एक्सेलरेशन क्या है? सेरिपेंडिकुलर एक्सेलरेशन. उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं. मान लीजिए एक पार्टिकल है, क्लियर है, वो इस तरीके से चल रहा है. रेडियस इज आर और लेट्स से AC की डायरेक्शन क्या होगी इधर, वो होगी v स्क्वायर बाय r वेयर v इज द स्पीड, क्लियर है ना. चलिए सो AC बराबर v स्क्वायर बाय r. तो r क्या हो गया भाई, v स्क्वायर बाय AC. बेसिकली ये r ही क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब यहां पर ये r को स्पेशली क्या बोल देंगे हम, रेडियस ऑफ सर्कल. इसको हम क्या बोल देंगे, रेडियस ऑफ सर्कल. लेकिन मैंने आपको बताया था कि जरूरी थोड़ी ही है कि यार सर्कुलर एंगुलर वेरिएबल्स आर अटैच्ड विद सर्कुलर मोशन, दे कैन बी अटैच्ड विद एनी काइंड ऑफ मोशन. अब मान लीजिए मोशन कुछ इस तरीके से, देखिए मान लीजिए पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है, लाइक दिस. क्लियर है, इस तरीके से चल रहा है. अब देखो एक पॉइंट मान लो मैंने ये ले लिया A, एक पॉइंट मान लो मैंने ये ले लिया B. क्लियर एकदम. सो यहां पर मान लीजिए वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये रही, नेट एक्सेलरेशन. क्लियर एकदम. अब अगर आप ध्यान से देखोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इस पॉइंट पर गौर फरमाओ, तो इस पर अगर मैं गोला बनाऊं तो वो इस तरीके से बन जाएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट पर अगर मैं गोला बनाऊं तो देखो वो इस तरीके से बन जाएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, लेट्स से दिस इज R1, लेट्स से दिस इज R2. क्लियर है. इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. दैट मीन्स यहाँ पर पार्टिकल का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है, यहाँ पर पार्टिकल का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है. दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द कर्वनेस ऑफ द कर्व. कितना कर्वी है कर्व, वो बताता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर. यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, छोटा सा, मतलब यस समझो कितनी जल्दी बैंड कर रहा है या कितनी स्लोली बैंड कर रहा है. मतलब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इनफाइनाइट. इसमें देखो इसमें ए यहाँ पर बन गया इस तरीके से, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना सा है. क्या मेरी बात समझ में आ रही? जितना कम रेडियस ऑफ कर्वेचर उतनी ही जल्दी टर्न, जितना कम रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही शार्प या उतनी ही जल्दी टर्न, और जितना बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही धीरे धीरे टर्न. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना. तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर. और क्योंकि सर्कल में रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह सेम है, तो इसको स्पेसिफिकली नाम क्या दे देते हैं, रेडियस. क्लियर है. इसको हम कैसे निकालें, वी स्क्वायर बाय AC. अब देखो इसको जनरलाइज करेंगे, What is the direction of AC and V perpendicular? अब यहाँ पर देखो जरा, यार ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, मान लो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये कंपोनेंट क्या होगा A cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा A sin थीटा. तो बेसिकली A cos थीटा क्या होगा, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन किसके पैरेलल, वेलोसिटी के. वो पैरेलल भी हो सकता है, वो अपोजिट भी हो सकता है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। और a साइन थीटा ये क्या है बेसिकली, ये क्या है बेसिकली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, किसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी के। मतलब कि जनरलाइज फॉर्मेट में हमने एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट कर लिए भाई। कौन कौन से कंपोनेंट? एक तो अलोंग द वेलोसिटी, मतलब अलोंग भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलेंगे। और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द वेलोसिटी। डायरेक्शन में चेंजमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? यही होता है। और यही क्या कर रहा है? पार्टिकल को कर्व करा रहा है। तो रेडियस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? यही होता है। यहां पर भी देखो वो ही निकला है, r बराबर v स्क्वायर बाय ए सी। तो इसको अगर मैं जनरलाइज कर लूं तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर? r बराबर v स्क्वायर अपॉन में a परपेंडिकुलर। जबरदस्त, वेयर a परपेंडिकुलर को समझ लो, a परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करना है, ध्यान रखना, वेलोसिटी को नहीं। एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करना है, ध्यान रखना, वेलोसिटी को नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपने एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट किए, कौन कौन सा? एक कंपोनेंट अलोंग द वेलोसिटी मतलब टेंजेंशियल, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? v स्क्वायर अपॉन में a परपेंडिकुलर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। हर इंस्टेंट का अलग अलग होगा, क्योंकि यहां पर v की वैल्यू अलग होगी और एक परपेंडिकुलर की वैल्यू अलग होगी, यहां पर भी अलग अलग होगी। वो अलग बात है, यहां पर सेम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? क्या कांसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए, हम प्रॉब्लम करेंगे। चलिए अब हम इस पर कुछ बेसिक प्रॉब्लम करते हैं। लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन, या बहुत सारी प्रॉब्लम इस पर आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए एक पार्टिकल को मैं 10√2 स्पीड से थ्रो कर रहा हूं। एंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्लियर है? तो ये प्रोजेक्टाइल करेगा इस तरीके से, लाइक दिस। अब वो पूछ रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो ठीक है यार, इसके दो कंपोनेंट करो, ये 10 और ये भी कितना होगा? 10। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा ना, 10, और एक्सेलरेशन यहां पर सिर्फ एक ही है g, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? डाउनवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा? r बराबर v स्क्वायर अपॉन में a परपेंडिकुलर। v स्क्वायर कितना है? 10 का स्क्वायर, और a परपेंडिकुलर कितना है भाई? कंपोनेंट रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 10। तो आंसर क्या आ गया? बहुत सिंपल, टाइम पास 10 मीटर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया? 10 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको आप नोट करिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट करिए। चलिए एक और प्रॉब्लम प्रोजेक्टाइल से ही रिलेटेड। लेट्स से एक पार्टिकल को मैं इसको थ्रो करता हूं। मैं इसको थ्रो करता हूं 50 मीटर पर सेकेंड से, 50 मीटर पर सेकेंड। एंड दिस एंगल ले लेते हैं लेट्स से 53 डिग्री। इस तरीके से ये जाएगा। क्वेश्चन ये है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे कहीं नहीं होगा, 1 सेकंड पे तो कहीं नहीं होगा पार्टिकल। 1 सेकंड पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, कंपोनेंट डिसॉल्व करो, ये क्या होगा और ये क्या होगा, जल्दी बोलो ये क्या होगा? 50 cos 53 दैट मींस 50 इनटू 3/5 दैट मींस 30 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या होगा? 50 sin 53 दैट मींस 50 इनटू 4/5 दैट मींस 40 मीटर पर सेकेंड। चलिए आफ्टर 1 सेकेंड ये कंपोनेंट तो इतना ही रहेगा ना यार, ये कंपोनेंट तो चेंज नहीं होता, प्रोजेक्टाइल पढ़ाई है आपने 30 मीटर पर सेकेंड। और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर लो। vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू t। uy कितना है? 40। ay कितना है? -10। ay कितना है? -10। और t कितना है? 1। तो कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये भी कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड। अरे बहुत बढ़िया, ये भी 30। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ये होगा, वेलोसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ये होगा, वो कितना होगा? 30√2 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए मैंने बोल दिया। अब देखो हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए होता है आर निकालने के लिए v² बाय a परपेंडिकुलर। सुन लो जरा, v स्क्वायर तो निकल गया, देखो v निकल गया, स्पीड v क्या है यहाँ पर स्पीड, तो v स्क्वायर तो निकल जाएगा 30√2 का होल स्क्वायर, लिख देता हूँ 30√2 का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या आता है a परपेंडिकुलर, a परपेंडिकुलर क्या होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। देखो भैया मतलब इसके कंपोनेंट मुझे करने हैं, आप कैसे करेंगे भाई सोचो, इसके कंपोनेंट करने हैं मुझे अलोंग द वेलोसिटी, क्लियर है? अच्छा भाई कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अगर ये 45 है तो ये भी 45 और ये भी कितना होगा 45। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया g cos 45 और ये क्या हो गया g sin 45। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? g cos 45 इसकी स्पीड को घटाएगा, घटती है जब ये ऊपर जा रहा है स्पीड घटती है, y कंपोनेंट घटता ही है उसका। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये क्या करेगा डायरेक्शन में चेंज, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर में a परपेंडिकुलर क्या होगा, व्हाट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी और स्पीड होगा g sin 45। तो क्या आ गया g sin 45 की वैल्यू g/√2 वैल्यू पुट कर देना, आंसर निकाल देना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो इस तरीके से हम अप्रोच करते हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं और यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखिए बहुत सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा काइनेमैटिक्स ऑफ 1D, उसके बाद पढ़ा हमने 2D, फिर हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन में उसका काइनेमैटिक्स, और बाद में हम पढ़ेंगे डायनामिक्स जब हम फोर्सेस के बारे में स्टडी कर लेंगे लॉज ऑफ मोशन में। क्लियर है एकदम? थैंक यू फॉर नाउ।